आग तुम लगाकर गए थे ना, मैंने बड़ी मुश्किल से बुझाई। लड़की को समझा बुझाकर खामोश किया। अब मुंह से कोई ऐसा लफ्ज ना निकालना कि वो फिर से भड़क उठे। आखिर उसकी मिन्नत समाचार करके उसे रोकने की जरूरत क्या थी? तुम जो 1000 एकड़ जमीन पर राज कर रहे हो, तुम्हें पता भी है वो किसकी है? क्या मतलब किसकी? जाहिरी बात है हमारी। तुम्हारे बाप के पास 10 एकड़ जमीन के अलावा कुछ नहीं था। ये सब मेरे बाप की जमीन है। और यहाँ की रिवायत के मुताबिक जदाद का वारिस उसका बेटा होता है, और मेरे बाप का इकलौता बेटा इदरीस है। क्या कहना चाह रही है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस जमीन पर हमसे ज्यादा इदरीस का हक है। वो तो बाहर पढ़ने चला गया, वहां उसने शादी कर ली, तो ये जमीन मेरे लिए छोड़ गया, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा बाप मर चुका था और मैं बेवा लावारिस थी। और इदरीस बहुत खुददार था, उसने कभी जमीनों का नाम नहीं लिया। आज अगर तुम उसकी बेटी को इस तरह छोड़ोगे तो क्या इदरीस अपनी जायदाद का दावा नहीं करेगा? फिर क्या रह जाएगा तुम्हारे पास? 10 एकड़ जमीन और मेरा चौथाई हिस्सा। इसीलिए मैं तुमसे कहती हूं कि जब बोलो तो मुझसे पूछ कर बोलो और सोच कर बोलो। और मैंने तो इरम से भी ये कहा कि इसके बाप के 20 लाख रुपए मैं आम की सीजन में दूंगी, क्योंकि इस वक्त हमारा हाथ तंग है और तुमने भी यही जाहिर करना है, समझे? तो मुझे पता है कि इदरीस कभी जमीनों का नाम नहीं लेगा, लेकिन हमें तो एहतियात करनी चाहिए ना। मेहरू निसा मां बनने वाली है। मेरे बच्चे की। तुम्हारा बच्चा? देख ली अपनी हैसियत। मैंने पहले कहा था, ये लोग सिर्फ हमारे हुस्न के शैदाई होते हैं, हमारे जज्बात से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। मुखलिस इंसान का मुश्किल वक्त में पता चल जाता है। असद तुझे इस मुश्किल वक्त में छोड़ के अब ये वक्त है मेहरू, संभल जा, इस लॉ से जान छुड़ा। चल मेरे साथ, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके। नहीं अम्मा। क्या मतलब है नहीं अम्मा? अब और क्या कसर रह गई है कमलिए? मेरी उम्मीद अभी तक टूटी नहीं है। खुदा, मैं कैसे समझाऊं इस कमाकल को? किस बात की उम्मीद? जिसको एक बार आजमा लिया उसको दोबारा आजमाना बेवकूफी है। तू चल मेरे साथ, चल। जहां इतना आजमाया वहां कुछ दिन और से मैंने अभी हार नहीं मानी। सोचने की मोहलत हो, मैं फिर फैसला करूंगी कि मुझे क्या कदम उठाना है। तुमने मेरे सामने तो उसे अपना बच्चा कह दिया, लेकिन दुनिया के सामने मत कहना वरना रुसवाई होगी। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं मेरू निशा से बहुत प्यार करता हूँ। तो उसका ये मतलब नहीं है बेटा, इस लानत को अपने माथे पे मल दो। मोहब्बत भी सोच समझ के की जाती है, देखभाल के की जाती है। गंदी नाली में डुबकी नहीं लगाई जाती, साफ पानी में नहाया जाता है।
देखिए इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हें ये बेवकूफी अपने विरसे में मिली है। तुम्हारे दादा ने एक बांदी की हुस्न की शदाई होकर उससे शादी की और सारे घर वालों से अलग होकर उसके साथ रहने लगे। उससे बच्चे भी हुए लेकिन किसी ने उसको कबूल नहीं किया। बच्चे बड़े हो गए, जब भी वो दादा के बच्चे नहीं बांदी के बच्चे कहकर उनको ताना दिया करते थे। तुम्हारा बाप तुम्हारे दादा की पहली बीवी से था, इसलिए उनको इज्जत मिली। तो क्या तुम अपने दादा की किस्से को दोहराओगे? नहीं, कोई रास्ता निकालो, कुछ करो, उस बच्चे को जाया करो। इसके आगे मैं कुछ नहीं सुन सकती, कुछ नहीं। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा नशा छूट रहा है, उसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, कुछ सुन रहा है। खोलो खोलो, कोई है? कोई है? प्लीज मुझे जाने दो। Somebody please help। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो, क्यों सबकी नींद आराम कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुझे? आप प्लीज मुझे जाने दे, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। तू और चोरी न करे, तुझ जैसे लोग नशे की हालत में किसी भी जुर्म को कबूल नहीं करते। हाँ एक काम करो, तुम अपने घर वालों का नंबर दो, मैं उनको फोन करके बुला लेता हूँ, वरना छूटोगे, ऐसे नहीं छूट सकते हो। आप ऐसा करें ना कि मेरे लिए थोड़े से ड्रग्स ले आए, मेरा मतलब है पेट्रोल में कपड़ा गीला करके ले आएंगे। तुम ड्रग्स की बात कर रहे हो, मैं तुमसे घर वालों का नंबर मांग रहा हूँ, तुम ड्रग्स की बात कर रहे हो। ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, थोड़े से ड्रग्स ला देना। शर्म नहीं आती? वहां बैठो, बकवास नहीं करो, बर्दाश्त। वहां बैठो, केस की क्या प्रोग्रेस है? डैड वो पहले वाले जज का ट्रांसफर हो गया है, उनकी जगह दूसरे जज आए हैं। वकील साहब कह रहे थे कि वो अपील जल्द अप्रूव करवा देंगे। अच्छा अच्छा, वो पुप्पो नहीं आई मिलने के लिए? इरम गई थी ना उन्हें लेने के लिए? जी लेने गई थी लेकिन आए नहीं अब तक। मेरा ख्याल आपा की तबीयत नहीं संभली शायद अब तक। हाँ उनका सेहतमंद होना बहुत जरूरी है, ऐसे ही पूछ रहा था मैं। अली नजर नहीं आया, कहाँ है वो? ओ अली किसी काम से मशहूर था डैड, उसे बताए बगैर आए हम लोग। कल भी मैंने पूछा था तो कहा था किसी काम में मसरूफ थी। कहो बेटा मिलने के लिए आया करें, अच्छा लगता है सब। तुम लोगों को साथ देखता हूं तो मैं बहुत खुश हूं, वरना यहां जेल में तो बड़ा दिल दुख जाता है इंसान का। अपनों को देखने को बहुत दिल करता है, बहरहाल फिर भी मैं यहाँ कम से कम इतना तो खुश रहता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में अली है तुम लोगों के साथ। बेटा मैं तो इसलिए परेशान हो रही कि कब तक हम तुम्हारे डैड से अली के बारे में छुपाएंगे, आज नहीं तो कल उन्हें पता चल जाएगा ना, और अगर उन्हें पता चल गया तो वो
वो पहले ही इतने डिप्रेस हैं और मॉम आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक हूँ मैं, तुम टेंशन नहीं लो, ऐसे चक्कर आ गया था। पानी ला दूँ? नहीं बस मेरी ब्लड प्रेशर की दवा रखी है ना वो ला दो। जी मामा आप प्लीज ज्यादा टेंशन न लिया करें। बेटा कोशिश तो यही करती हूँ मगर मैं क्या करूँ, एक के बाद एक परेशानियां एक आती जा रही हूँ, वक्ती तौर पर हिम्मत खो देती हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानू। जारा पे फोन बज रहा है। मॉम, मॉम, इरम की कॉल है। इरम की कॉल है? हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम मॉम। हाँ इरम कैसी हो बेटा? ठीक हूँ, आप कैसी हो? डैड कैसे हैं? हाँ तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं, बस तुम्हारी फूफो की तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, अब ठीक हैं वो? पहले से काफी बेहतर है मॉम, मैंने उनसे पैसों के लिए काफी कहा लेकिन वो लोग अरेंज नहीं कर पा रहे। चलो कोई बात नहीं, रहने दो, उन्हें तंग मत करो फिलहाल, वैसे भी तुम्हारे पापा का केस रीओपन नहीं हो रहा है, तब देखी जाएगी। मॉम मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। क्या तुम मां बनने वाली हो? ये तो बहुत खुशी की खबर है, जब बहुत बहुत मुबारक हो तुम। हाँ ये तो बहुत खुशी की बात, मुझे तो मैं भी बात करूंगी। अच्छा ये लो, ये जारा से बात करो। बहुत 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 मुबारक मेरे माजी, आप अपना बहुत ख्याल रखना। थैंक यू जारा, तुम कैसी हो? मेरी बात करें। हेलो इरम बाजी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ? इरम बाजी ये क्या बात हुई, मैं तो अभी खुद बच्ची हूँ और आप मुझे अभी से खाला बना रही हैं। कभी कभी कम उम्र में भी खाला बनना पड़ता है, और तुम्हें पता है मेरा बेबी तुम्हें पिंकी आंटी बोलेगा। वैसे रम्मा जी ये खबर जब डैड सुनेंगे तो वो बहुत खुश होंगे क्योंकि वो पहली मरतबा नाना बनने वाले हैं। आई नो पिंकी, अच्छा मेरी मॉम से बात करवाओ। अच्छा बाय, मैं अभी देखती हूँ। हाँ बेटा। मॉम आजकल मेरे और असद के बीच थोड़ा खिंचाव है, दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। क्या मतलब बेटा खिंचाव है, कोई बात हो गई क्या? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती मॉम, मैं आना चाह रही थी लेकिन फूफो ने मुझे रोक लिया। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ रहकर आप लोगों की हेल्प करूँ, डैड के लिए कुछ कर सकूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम उन्हीं की बात मानो, बस अगर तुम्हारी फूफो मना कर रही हैं तो कोई बात नहीं, तुम अपने घर में रहो और कोशिश करो कि किसी को शिकायत का मौका ना दो। देखो बेटा तुम्हारी फूफो जैसे कहे ना बस वही करना, जब वो आएंगी ना तुम्हारे पापा से मिलने के लिए उस वक्त तुम उनके साथ आ जाना, और ट्रैवलिंग में भी जरा एहतियात करना। हाँ ओके मॉम, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। खुश रहो मेरा बच्चा, अल्लाह हाफिज। मॉम खैरियत तो है? क्या हुआ मॉम? ठीक है। Oh God, ये लोग समझ नहीं पा रहे, तो कंट्रोल से भी बाहर हो गए। मुझे कब तक रहूंगा, कब तक इस हाल में पड़ा रहूंगा मैं? मुझे बाहर निकाल रहे हैं यहाँ से, मुझे निकाल रहे हैं यहाँ से, कोई सुन रहा है? हेलो तो यार
कोई है? बात सुनो, बात सुनो, कोई है? हेलो हेलो, कोई है? क्या मसला है? क्यों चीखते चिल्लाते रहते हो? दो चार डंडे लगेंगे ना तुम्हारे को, तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा मैं अपनी फैमिली के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ। आप उन्हें इन्फॉर्म करें कि मुझे यहाँ से ले जाएं, प्लीज। ठीक है, तुम अपनी फैमिली का नंबर दो और नाम बताओ, मैं उनको सुबह जैसे साहब आते ही मैं उनको नाम दे देता हूँ। सुबह नहीं, अभी, सुबह तक तो मैं मर जाऊंगा। चुप कर बेगैरत, आधी रात में आकर वो क्या करेंगे? साहब की गैर मौजूदगी में तू छूट नहीं सकता है। बस सुबह तक बर्दाश्त कर बेगैरत, कहीं के बैठ वहां। हेलो जी, आप अली नामी नौजवान को जानते हैं? जी जी, अली मेरा भाई। आप कौन? मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम अहमद है, आपके भाई पुलिस लॉकअप में। लॉकअप में? लेकिन अली ने ऐसा क्या किया जो वो लॉकअप में? जी आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, वो दो दिन से लॉकअप में है, उसने भी आपका नंबर दिया है, तो प्लीज आप आ जाइए। जी मॉम, क्या हो गया? मॉम अली का पता चल गया? कहाँ है अली? अली थाने में, दो दिन से बंदे पुलिस स्टेशन से कॉल की। चले हेलो उठ, मुलाकात आई है तुम्हारी। अली अली अली, तुम यहाँ क्यों? बहुत अच्छा हुआ आप लोग आ गए, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल, प्लीज जल्दी निकाल प्लीज। हाँ लेकिन तुम यहाँ क्यों? तुमने क्या किया? वो सब छोड़े मॉम, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा आप लोगों को कभी टेंशन नहीं दूंगा, बताए बगैर घर से बाहर भी नहीं जाऊंगा, प्लीज यहाँ से निकाल मुझे। अली हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, बताओ तो किया क्या है? मैडम उसने चोरी की है, चोरी, वो भी दिन दिहाड़े। क्या चोरी? अली तुमने घर से बाहर भी चोरी शुरू कर दी? अरे क्यों किया, क्यों किया तूने? अली तेरे साथ मसला क्या है आते? अली तुम्हें मना किया था ना, मसला क्या है तुम्हारे साथ? I'm sorry mom, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे कहा ना कि आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, मुझे यहाँ से निकाले मॉम, मैं यहाँ नहीं रह सकता, प्लीज। अरे तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा तुमने हमें, क्या कहेंगे सब लोग ये जेल में बेशरम। मैडम आपको साफ बुला रहे हैं। हाँ सर, बैठिए प्लीज। देखिए अली को बुरी तरह ड्रग्स की आदत पड़ चुकी है। क्या? आप लोग उस पर कंट्रोल करें वरना आप लोगों के हाथों से निकल जाएगा। ड्रग्स? नहीं 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 अस्तुचु साहब, वो तो सिगरेट भी नहीं पीता, ड्रग्स कैसे ले सकता है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इसका मतलब कि आप लोगों को कुछ नहीं पता, मुझे अंदाजा था कि आप लोगों को मालूम नहीं है। ऐसा बहुत सी फैमिलीज में होता है कि इस एज के बच्चे अक्सर अपने घर वालों से छुपकर मंशात के आदी हो जाते हैं और गलत माहौल में पड़ जाते हैं जिसका उनके वालदैन को पता नहीं होता, और जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। एक बात मैं आप लोगों की नॉलेज में लेके आना चाहूंगा कि अली को तो कुकीन की आदत पड़ चुकी है। क्या? नहीं, नहीं अली ऐसा नहीं कर सकता। मैडम प्लीज रिलैक्स हो जाएं। मैं जानता हूं कि ये आप लोगों के लिए एक मुश्किल मरहला है, लेकिन एक तल्ख हकीकत भी है। देखिए मैंने चोरी की एफआईआर इसलिए नहीं काटी थी क्योंकि अक्सर हम लोग मंशियात के आदि अफराद को पकड़ के ले आते हैं और उनके पीछे उनके वर्सा भी नहीं, फिर वो थाने में शोर कर करके हमसे ड्रग्स की डिमांड करते हैं, तो मजबूरन फिर हमें उनको छोड़ना पड़ जाता है। आप लोग
ज्यादा अच्छी फैमिली से मालूम होते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मैं अली को आपके हवाले करता हूँ, आप लोग प्लीज को ख्याल करें। हाँ बोलो। ये क्या मजाक है सर, तुम घर क्यों नहीं आते? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्यों नहीं आती। अभी और इसी वक्त मेरे पास पहुंचा। जब तुम अपनी ये जिद छोड़ो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, मैं तब ही आऊंगा तुम्हारे पास, वरना नहीं आऊंगा। अच्छा तो ठीक है, फिर मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम आधे घंटे तक मेरे पास नहीं पहुंचे तो मैं खुद हवेली पहुंच जाऊंगी और इस बच्चे के बारे में सबको चीख चीख कर बताऊंगी। फिर मुझसे गिला मत करना। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी मैरू। मैं ऐसा ही करूँ, बिल्कुल ऐसा ही करूंगी अगर तुम मेरे पास नहीं पहुंचे आधे घंटे तक। ठीक है, आ रहा हूं मैं। बेशरम, बेगैरत, तेरी शर्म नहीं आई? माँ बहनों को तू थानों में लेकर गया है, हाँ? हमने कितना कितनी मुसीबत में, कितनी तकलीफ में, तुझे जोर नहीं हमारा। छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगी मैं से, हर माँ कम मरे मेरे से। सारी रात जिस अजाबों में रहे इसकी वजह से, इसकी वजह से हम मुसीबत में पड़े, इतने अजाब में हमारी जिंदगी गुजर रही है, ये अजाब और कम है हमारे लिए, जिंदगी आराम करके रखी इसने हमारी, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? शर्म नहीं है मॉम, इसके बाप ने मुझे कहा था, इसके बाप ने मुझे कहा था मत साइड लो इसकी, मैं रातों को जाग जाके इसका इंतजार करती थी, इसको खाना खिलाकर सुलाती थी, तुम्हारे डैड ने मुझे इतना कहा मुझे तुम्हारे डैड ने। तुम्हारे डैड मुझे कहते थे मत लो इसकी साइड, मत रखो इसका ख्याल, मत झूठ बोलो इसके लिए, लेकिन मैंने हमेशा झूठ बोलने का नतीजा है कि आज मेरी औलाद ऐसी है। क्यों कर रहे तुम हमारे साथ ऐसे अली, क्यों कर रहे बेटा? हालत देखो इसकी जाओ जाके बोलो इसको इंसान बने, मुंह धोए जाके कपड़े बदल में जाकर कपड़े चेंज कर जाके शावर ले, छोड़ दे वो पिंकी ले जाओ भाई, शावर ले जाके किस गांवों में हमारी जिंदगी पड़ गई है, ये मेरी गलती है, मेरी गलतियों के नतीजे है ये मेरी हालात जो ऐसी हो गई है। हम सब ठीक हो जाएगा मैरू, मेरी मैरू मेरी बात सुनो, मैरू क्या पागलपना है ये? पागलपना नहीं है, ये फैसला है मेरा, तुम मुझे बताओ तुम्हें कबूल है या नहीं। मैरू अभी इसका वक्त नहीं आया, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर? और कौन सा वक्त आएगा, यही वक्त है, शादी कर लो प्लीज, मुझे जवाब दो ताकि मैं कोई फैसला कर सकूं। मुझसे शादी का वादा नहीं किया था लेकिन एक मुनासिब वक्त देख के। अब और कौन सा मुनासिब वक्त आएगा, असल में तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो? करता हूं मोहब्बत, इस बात का सबूत देने की जरूरत नहीं है मुझे। जरूरत है तुम्हें, मुझे सबूत देने की जरूरत है, और तुम्हारा और मेरा सबके सामने एक होना इस बात का सबूत होगा, और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुमसे बड़ा बुजदिल इंसान इस दुनिया में नहीं होगा। पागल हूं मैं, पागल हूं जो उन कदरदानों को अपने जूते की नोक पे रखकर तुम जैसे बुजदिल को अपना आप सौंप दिया।
का दावा तो करता है लेकिन उसका सबूत देने से डरता है। अच्छा अच्छा ठीक है, कर लूंगा शादी में, बस मुझे और ताने मत दो इस तरह के, कर लेता शादी। मुझे मालूम था मेरा असर मजबूर है लेकिन कमजोर नहीं। तुमने शादी के लिए हाँ करके मुझे जिंदा कर दिया। भाई पानी पी अली क्या हो गया, कहाँ से लग गई तुम्हें ये ड्रग्स की आदत? बस आप बस थोड़ा सा पेट्रोल लाने मेरे लिए, जल्दी करें जल्दी। पेट्रोल? पेट्रोल क्यों मांग रहे हो अली? मॉम कहीं भाई सुसाइड तो नहीं करने वाले ना? नहीं पागल हो गया? नहीं नहीं, पेट्रोल या समझ बॉन्ड या नीम की गोली जो भी मिले बस ले मेरे लिए जल्दी प्लीज, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और मॉम प्लीज जल्दी करें। अली मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम्हें ये लत कहाँ से लगी और तुम मुझसे डिमांड कर रहे हो? इमरान और सोनू से लत लगी, आप बस जल्दी से पेट्रोल में कपड़े गीला करके लाए ना। मॉम मैं कपड़े गीला करके लाऊं? नहीं पागल हो क्या तुम? बेटा देखो बर्दाश्त करो, ये छूट जाएगी लत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ नहीं मॉम नहीं, प्लीज आपको कुछ करना पड़ेगा, प्लीज मॉम कुछ लाए, मुझे रिलीज कर मॉम, उस पेट्रोल से नशा पूरा हो जाएगा मेरा, प्लीज बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे मॉम। नहीं 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 भाई, ये शादी तुम लोग नहीं कर सकते। बस क्या मतलब है कि हम शादी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, सुना नहीं तुमने? यानी कि तुम मेरा घर बसने ही नहीं देना चाहती? अजय नाचने गाने वालियों का घर कभी अपने से बाहर नहीं बसता, उन्हें वो इज्जत ही कभी नहीं मिलती। तुम तो किसी ख्वाब में हो मेरे, तुझे कोई भी कबूल नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी तुझे छोड़कर जाएगा, सुन ले तो मेरी बात। शमशाद बेगम अपनी तरफ से अंदाजे लगाना बंद करो, अगर मुझे मेहरू को यहीं छोड़ के जाना होता तो मैं इस वक्त यहाँ खड़ा ना होता। तुम इस वक्त मजबूरी में यहाँ हो, जज्बाती फैसले कर रहे हो तुम दोनों। जब जज्बात ठंडे हो जाएंगे ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुमने अगर मेरी शादी में रुकावट डाली ना अम्मा तो याद रखना मैं तुम्हारे हाथ भी नहीं रहूंगी, निकल जाऊंगी ये घर छोड़ के। मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ कमली, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर मैं ये बात कर रही हूँ। तो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर मुझे भेंट चढ़ाना है तुमने? तो मैं तो तेरी भलाई की बात कर रही हूँ कमाकल, और फिर हमारी तो गुजर औकात ही महफिल सजाने से होती है, ये धंधा है हमारा, अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या हाथ खाएंगे? अम्मा खाने पीने की फिक्र छोड़ो, चूटी को भी अल्लाह उसकी खुराक पहुंचा देता है तो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेगा। शमशाद बेगम मैं तुम्हारा और मेहरू का खर्चा उठाऊंगा, जो भी जरूरत पड़ेगी मैं लाके दूंगा, बस हमें छुपके से दो गुहाओं के सामने यह निकाह करना पड़ेगा। छुपके? क्यों, हम सबके सामने क्यों नहीं शादी करेंगे? मेहरू पहले ये शादी होने दो, आहिस्ता आहिस्ता हम इसे दुनिया के सामने लेके आएंगे और फिर मैं तुम्हें बाइज्जत अपने घर भी लेके जाऊंगा। अच्छा तो फिर निकाह आज ही होगा। ठीक है, मैं एक निकाह खुआ और दो गहों का बंदोबस्त करता हूं जो कि काबिल एतमाद भी हो और हमारा राज भी रख सके, फिर देखा जाएगा। तकलीफ कम नहीं हो रही? बेटा हो जाएगी, तुम आंखें बंद करो, सोने की कोशिश करो। बचपन में याद है
मैं इस तरह से तुम्हें सुलाती थी तो तुम कितनी जल्दी सो जाते थे। कोशिश कर। और बात थी वो, अब मुझे स्टफ की जरूरत पड़ती है, उसके बाहर दुनिया बुरी लगती है, बॉडी में पेन होता है। सोचो नहीं मेरा बेटा, बस आंखें बंद कर लो, सोने की कोशिश कर, कोई बात भी जहन में मत लाओ, जितना सोचोगे ना उतना इरिटेट होगे। मैं हूं, मैं इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा सर दबाऊंगी ना, मैं नींद आ जाएगी, कोशिश करो। शाबाश। दुनिया में किस परेशानी में डाल दिया, मेरा दिल तो अभी भी नहीं मानता। मैं तो कहती हूँ इनकार कर दे, ना करिए शादी। मगर क्यों? क्या पता ये हमारे हक में बेहतर है भी कि नहीं। कभी तो मुंह से अच्छी बात भी निकाल ली, अगर हमेशा बुरी बात ही बोलती। इसलिए कि ऐसी शादी हमें रास नहीं आती। क्या पता वो हमें बाद में खर्चा देगा कि नहीं, जुबानी कलाम में हमें तनख्वाह तो नहीं रहा। देगा अम्मा, जरूर देगा, उसने वादा किया है। वादा? मर्द औरत के चक्कर और शराब के नशे में हजारों वादे करता है, लेकिन जब वक्त आता है ना तो अपनी आंखें फेर लेता। ऐसा ना हो कि असल ने भी हमसे आंख मचोली की हो और अब वापस ही ना आए। आएगा वो, निकाह फाको लेने के लिए गया है। और इस खुशी के मौके पर तुझे मुझे दुआएं देनी चाहिए, और तू फिर वही घिसी पिटी बातें करके मुझे परेशान कर रही है। अब इस कमरे से बाहर चली जा या फिर खामोश रह, मुझे तैयार होने दे। बड़ी मुश्किलों से सुला कर आई, थपकियां दे देकर सुलाया उसे। अब अल्लाह करे मनहूस नशा उसकी नींद में खलल न पैदा करे। साहब बैठे हैं आप।
सामर अच्छा क्या निकाह मुकाबले के बारे है या फिर निकाह पढ़ाने के बाद सारे गांव में खबर फैला देगा? नहीं सही बेफिक्र है, मेहनी की जेब है, नोटों से भर दी है, कुछ नहीं बोलेंगे। अगर इसने मुंह खोला तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। बेफिक्र है साईं, एतबार वाले लोग हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। चलो मुझे तुम लोगों से हमदर्दियों से नहीं, जिस चीज की तलब है उससे सुकून मिलता है। छोड़ो अभी अभी उठो, ये ले, इससे सुकून मिलता है तुझे, ये ले ये ले। बेगैरत बेहया बहनों पर हाथ उठाता, तुझे शर्म नहीं आई? हम भाई छोड़ दे, अंदर चल, लगी तो नहीं तुम्हें, अंदर लेके चलो उसको, चलो शर्म नहीं। छोड़ दो मुझे।